नमस्कार, पंजाब किसी टीवी में एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जो दर्शकों, HPCL क्रिकेट स्टेडियम से आज हम लाइव जुड़े हैं और यहां की लाइव तस्वीरें हम आप तक साझा करेंगे। क्रिसमस हो गया और नए साल को बस कुछ ही दिन शेष जो है वो बचे। ऐसे में बाहरी राज्य से जो टूरिस्ट है धर्मशाला मैक्लोडगंज पहुँचने शुरू हो गया है। वहीं अगर हम प्रशासन की बात करें तो उन्होंने भी उसी तरह से तैयारियाँ भी शुरू कर दी हैं। फिलहाल क्योंकि विश्व विख्यात ही ये क्रिकेट स्टेडियम है और यहाँ पर अगर मैं एक साइड आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये रणजी मैच जो है वो जनवरी से शुरू होने वाला है, उसको लेकर के यहाँ पर एक टेस्ट मैच होता है जिसको हम कह सकते हैं कि इस मैच में एक सिलेक्शन जो है वो जो खिलाड़ी है उनकी रहेगी, वो मैच चल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अगर मैं कैमरा घुमाऊँ तो टूरिस्टों की भरमार जो है वो क्रिकेट स्टेडियम में होने शुरू हो गई है। कुछ अंदर तो कुछ बाहर जो है वो अपनी बारी का इंतज़ार अंदर आने के लिए कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, एक तरफ मैंने कहा कि मैच चल रहा है और तो दूसरी तरफ ये देख सकते हैं काफ़ी संख्या में टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर पहुँचा है। और धर्मशाला अगर टूरिस्ट आए और क्रिकेट स्टेडियम ना पहुँचे, वहाँ से इस स्टेडियम को ना निहारे, क्योंकि देख सकते हैं धूलाधार की ये हसीन वादियाँ और इस बीच बसे ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को देखने ना आए, ये हो नहीं सकता। और ये देख सकते हैं रणजी से पहले टेस्ट मैच यहाँ पर हो रहा है। मैं आपको बता दूं क्योंकि जनवरी में 4 रणजी टेस्ट मैच जो है वो रणजी मैच जो है वो यहाँ पर होने हैं। उसके बाद अगर हम मार्च की बात करें तो मार्च में 5 मैच जो है वो टेस्ट मैच यहाँ पर आयोजित होंगे। फिलहाल उससे पहले की लाइव तस्वीरें, क्योंकि वर्ल्ड कप के मैच यहाँ पर हुए हैं और अब ये लाइव तस्वीरें ये देख सकते हैं टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचा है। जैसा कि मैंने कहा कि क्रिसमस के बाद यहाँ पर टूरिस्टों की भरमार जो है वो बढ़ने शुरू हो गई है। दूर दूर से टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आ रहा है और क्रिकेट स्टेडियम पहुँच कर यहाँ का दीदार कर रहा है। और अभी की बात करें तो अभी तो फिलहाल और भी सही नज़ारा इस वक्त का है, क्योंकि ये देख सकते हैं मैच जो है वो यहाँ पर चल रहा है, टेस्ट मैच ये देख सकते हैं। और उसके बीच ये टूरिस्ट यहाँ पर इन्हें निहारते, ये देख सकते हैं कुछ यहाँ से जा रहे हैं देखकर और कुछ जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ पर आकर के फोटोएं भी खिंचवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो धूलाधार का जो नज़ारा है, यहाँ का जो व्यू है वो वाकई देखने लायक है। और यहाँ पर आए और फोटो ना खिंचवाए ये कभी हो नहीं सकता। तो ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें क्रिकेट स्टेडियम की और टूरिस्ट की, हम उनसे भी बात करेंगे। जरूर की कहाँ कहाँ से आए हैं शॉट गुड फील्डिंग। स्ट्रेट या लोकल क्या बोलना? मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। बोल बोल बोल। मैडम क्या नाम है आपका? मैं रीमा, बैंगलोर से आई हूँ। अच्छा, पहली बार आई हैं इधर? हाँ जी। कैसा लग रहा है क्रिकेट स्टेडियम? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इनफैक्ट मैं पहली बार देख रही हूँ जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। फैमिली के साथ आए हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है, जस्ट ऐसे फ्रेंड के साथ आई हूँ? ओके, पहली बार आए हैं, यहाँ पर टेस्ट मैच भी चल रहा है, धूलाधार की खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, कैसा लग रहा है? क्योंकि और भी आपने स्टेडियम देखे होंगे, अगर खासियत की बात करें तो कैसा लग रहा है उनके कंपैरिजन में? बहुत अच्छा लग रहा है, ये स्टेडियम वाकई बहुत खूबसूरत है और पहाड़ियों के बीच में है तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। आ जा, ठीक है, थैंक यू। तो देख सकते हैं क्योंकि यहाँ की जो ये खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं वो जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं उन्हें अपनी तरफ जो है बुलवा लेती हैं। ये देख सकते हैं छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर टूरिस्ट।
जो है थोड़ा सा 2 महीने को क्लियर दिखाना है। क्योंकि बहुत से स्टेडियम है जहां पर टूरिस्ट जो है वो जाता है, लेकिन अगर हम धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो ये सबसे अलग और खूबसूरत स्टेडियम जो है वो माना जाता है, और इसकी प्रशंसा जो है वो जितने भी पर्यटक इधर आते हैं वो हमेशा करते ही है। ये देख सकते हैं रणजी ट्रॉफी से पहले का ये टेस्ट मैच। देखिए अगले साल से यहाँ पर फिर से मैच जो है वो शुरू होने वाले हैं, चाहे रणजी ट्रॉफी के अगर मैचों की बात करें चाहे टेस्ट मैचों की बात करें। लगातार क्रिकेट स्टेडियम जो है वो बड़े इवेंट की मेजबानी जो है वो कर रहा है, तो ऐसे में आप जनवरी से फरवरी तक 2024 ये टेस्ट मैच जो है वो रहने वाले हैं, माफ़ी चाहेंगे रणजी ट्रॉफी के मैच जो है वो रहने वाले हैं, और फिर मार्च में 5 मैच टेस्ट मैच जो है वो भी यहाँ पर आयोजित होंगे। क्योंकि अगर टूरिस्ट की बात करें यहाँ पर आने वाले पर्यटकों की बात करें, हालांकि बारिश नहीं हो रही है और सूखा ज़रूर है, क्योंकि इस वक्त की अगर हम बात करें तो काफ़ी बर्फबारी जो है वो इन पहाड़ों, ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं इन पर होती थी, लेकिन अब सूखे की वजह से देख सकते हैं अभी तक बर्फबारी जो है वो नहीं हुई है, जिस वजह से ये पहाड़ियाँ जो है वो सूनी लग रही हैं। लेकिन अगर हम पर्यटकों की बात करें तो पर्यटकों की पूरी चहल पहल इस वक्त धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम में इधर देखने को जो है वो मिल रही है।
एक तरफ ग्राउंड में ये टेस्ट मैच और दूसरी तरफ धीरे धीरे भरता ये यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि मैच जो है वो हो रहा है और ऑडियंस यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रही है। पूरा नज़ारा आप देख पा रहे हैं। कौन सा क्या नाम है आपका? सार्थक जाधव। कहाँ से आए हैं? हम पुणे से आए हैं। अच्छा, पहली बार आए हैं या आना जाना लगा रहता है? नहीं, पहली बार ही आए हैं। अच्छा, पुणे से पहली बार आए हैं। तो कैसा लग रहा है स्टेडियम और मैच भी, टेस्ट मैच भी दूसरी तरफ चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? स्टेडियम तो काफ़ी सुंदर है, पर ऐसी जगह पे मैच देखने का मज़ा ही कुछ अलग आता है। तो यहाँ पर जो भी मैच हुए हैं आप आए हैं? नहीं, आना तो चाहते थे। वो इंडिया न्यूजीलैंड की मैच हुई थी वर्ल्ड कप में, उस मैच को आना चाहते थे, पर कुछ कारण की वजह से हुआ नहीं। जी जी, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम सार्थक जाधव है। ओके, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? अनिकेत। कहाँ से आए हैं? मैं मुंबई से आया हूँ। अच्छा, स्पेशली क्रिकेट स्टेडियम देखने आए हैं, इसे घूमने आए हैं? पूरा हिमाचल घूमने आ रहे। अच्छा, तो न्यू ईयर कहाँ सेलिब्रेट करने का? धर्मशाला। स्टेडियम आप देख रहे हैं, और भी आपने स्टेडियम देखे होंगे। हाँ। कंपैरिजन में आपको क्या लगता है स्टेडियम की क्या खासियत है और क्यों यहाँ लोग आना पसंद करें? ये स्टेडियम की खासियत ये है, ये चारों सराउंडिंग में पहाड़ है, वेदर एंड कंडीशंस फॉर प्लेइंग हियर वेरी गुड। परिवार के साथ आए, दोस्तों के साथ आए? नहीं, एक्चुअली मैं सोलो निकला था, बट ही जॉइंड मी, तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस कमिंग हियर। टेस्ट मैच यहाँ पर होने वाले हैं, तो क्या उनमें आप यहाँ पर आने वाले हैं? क्योंकि आपने कहा कि बहुत खूबसूरत स्टेडियम है। हाँ। ये इससे पहले भी जो मैच हुए हैं उसमें आप आ चुके हैं? नहीं, ये मेरा पहला फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस मैच हियर, सो ट्राई करूंगा इंडिया के मैचेस के लिए आने के लिए। हाँ, इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो देख सकते हैं, हर कोई स्टेडियम का दीवाना है, क्योंकि ये जो पहाड़ियां हैं इस स्टेडियम को चार चांद लगाती हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है और जिसकी वजह से ये पहाड़ियां जो है वो इस वक्त सुनी जो है वो दिख रही है। जैसे ही बारिश और बर्फबारी होगी, नज़ारा ही कुछ और देखने को मिलेगा, और यही वजह है कि इन पहाड़ियों की वजह से ये जो क्रिकेट स्टेडियम है उसे चार चांद जो ये पहाड़ियाँ हैं वो लगाती हैं, और टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इधर पहुँचते हैं। अगर अभी की बात करें तो अभी भी काफ़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचा है। फिलहाल मैंने आपको देखिए ग्राउंड और यहाँ पर जो टूरिस्ट है उनसे भी बात की है, वो भी दिखाए हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि न्यू ईयर है, न्यू ईयर का जश्न भी मनाएंगे। और जैसे कि कहा है कि हिमाचल घूमने ये लोग निकले हैं, और हिमाचल के साथ क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा वाकई ही इस क्रिकेट स्टेडियम का है, और मैच देखने का एक अलग ही मज़ा यहाँ पर बैठ कर आता है। तो चलिए दर्शकों, अब इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, किसी और लाइन में आपके साथ मिलना होगा। बने रहिए पंजाब की सी टीवी के साथ। धन्यवाद।